हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स ऑपरेशन। अब ऑपरेशन का मतलब होता है रिलेशन, ठीक है। तो मैट्रिक्स के बीच में कौन कौन से रिलेशंस हो सकते हैं उसको बोलते हैं मैट्रिक्स ऑपरेशंस। ये तो शायद सबको पता ही होगा ना। ओके, सो जैसे नंबर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो नंबर्स के बीच में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये तो हम प्राइमरी बेस से पता है हमें, ठीक है ना। सिमिलरली मैट्रिक्स के बीच में भी बहुत सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं, जैसे कि एडिशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं हो सकता क्योंकि मैट्रिक्स है वो स्ट्रक्चर है। सो स्ट्रक्चर में डिवीजन पॉसिबल नहीं है। और एक होगा ट्रांसपोज, है ना। ट्रांसपोज के लिए बहुत सारे सिंबल्स है, वो जब हम लिखेंगे तब बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसे सारे जो ऑपरेशंस है उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स ऑपरेशंस। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। बट उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स के मेंबर्स को लिखते कैसे हैं। तो नोटेशन वाइज अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हम पूरा अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं ना, कैपिटल ए बी सी डी। तो मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ए है हमारे पास, और उसमें मान लेते हैं ये सारे मेंबर्स हैं। अब आप यहाँ देख सकते हो मैंने पर्टिकुलर फॉर्मेट यूज़ किया है ना लिखने का। जैसे कि फर्स्ट मेंबर है तो मैंने यहाँ A11 लिखा है। तो 11 ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो मेंबर है वो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। तो ये सर इसको हम रो बोलते हैं। तो ये तीन रोज हैं, ठीक है, और इसको हम कॉलम्स बोलते हैं। ओके, तो ये नंबर इंडिकेट कर रहा है कि कौन से रो या कौन से कॉलम में है, पोजीशन बता रहा है, ठीक है। और यही नंबर है, रो एंड कॉलम्स काउंट कर लो तो वही मैट्रिक्स की साइज या ऑर्डर भी देगा जो कि हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स में हम देख सकते हैं तीन रोज है, तीन कॉलम है, इसलिए उसको हम बोलेंगे 3x3 साइज का मैट्रिक्स। सिमिलरली यहाँ रो तो तीन ही है बट कॉलम्स दो ही है, इसलिए उसको हम बोलेंगे 3x2 मैट्रिक्स, ठीक है। और अभी हम क्या सिंबॉलिकली लिख रहे हैं, इसलिए मैंने A11, A12, A13 लिखा है। अदरवाइज यहाँ कोई ना कोई डिजिट्स होते हैं, 0, 1, 7, -1, 11, वॉट एवर, ठीक है। तो ये है एड्रेस बोलेंगे हम इसको। ये जो सफिक्स में डिजिट्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? एड्रेस ऑफ द मेंबर, ठीक है। ओके, अब अगर हम ट्रांसपोज की बात करें तो मान लेते हैं मैं बी यहाँ है ना, बी का ट्रांसपोज दिखा रहा हूँ ना। सो फर्स्ट ऑपरेशन में लिख रहा हूँ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब सिंबॉलिकली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो मैं बी की बात कर रहा हूँ क्योंकि उसमें साइज थोड़ी डिफरेंट है, ए में करेंगे तो शायद ज़्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं देगा इसलिए, ठीक है। तो मैं बी के लिए ट्रांसपोज फाइंड कर रहा हूँ, तो सिम्बोलिकली हम बी डैश भी लिख सकते हैं। कई बुक्स में बी डैश यूज़ करते हैं, कई बुक्स में बी डैश टू टी, इसका मतलब भी ट्रांसपोज ही होता है, ठीक है। ओके, तो ये दोनों सिंबल स्टैंडर्ड सिंबल ही है। अब हमें करना क्या है? तो डेफिनेशन वाइज अगर देखना है तो हमें ऐसा करना है, BIJ इज चेंजेस टू BJI, यानी कि सारे के सारे मेंबर अपने एड्रेस चेंज कर लेंगे। आई थ रो में है वो जेथ रो में चला जाएगा, और जेथ कॉलम में है वो आई थ कॉलम में चला जाएगा, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या होगा मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सो लुक वाइज बी ट्रांसपोज या बी डैश कैसे दिखेगा हमें? देखो ये 3x2 था ना, वो 2x3 हो जाएगा, कैसे दिख रहे हैं? तो मेनली हमें करना है क्या है, जो फर्स्ट कॉलम आपको दिखाई दे रहा है उसको फर्स्ट रो में लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ B11, B21, B31, वो हो जाएगा फर्स्ट रो, B11, B21, B31। एंड ये जो सेकंड कॉलम आपको दिखाई दे रहा है वो बन जाएगी सेकंड रो, B12, B22 एंड B32, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज। सो ट्रांसपोज करने का मीनिंग ये होगा, रो को हम कॉलम वाइज लिखेंगे या फिर कॉलम को हम रो वाइज लिख देंगे, ठीक है। सो बहुत इजी ऑपरेशन है विदाउट एनी कंडीशन, ठीक है। यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हो और मिलेगा 100%। ओके, सेकेंड ऑपरेशन इज एडिशन।
एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स तो नहीं लिख सकते बट मैट्राइसिस, मैट्राइसिस, क्योंकि एडिशन के लिए मिनिमम हमें दो मैट्रिक्स तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ओके, अब एडिशन में कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि जो दो मैट्रिक्स को हम ऐड करना चाहते हैं वो सेम साइज़ के होने चाहिए, सेम साइज़, सेम साइज, ठीक है। यानी कि 3x3, एक मैट्रिक्स 3x3 है तो उसके साथ ऐड करना है तो 3x2 को हम ऐड नहीं कर सकते, 3x3 ही चाहिए कंपलसरी। या फिर 3x2 के साथ कोई और मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है तो इसकी साइज़ भी 3x2 ही चाहिए, ठीक है। तो सेम साइज़ का मीनिंग ये होगा। अब एडिशन क्या होगा, कैसे, एड्रेस वाइज। मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स बी है, तो नया मैट्रिक्स जो मिलेगा सी नाम अगर हम दे रहे हैं तो सी आई जे कैसे मिलेगा, तो ए आई जे प्लस बी आई जे, यानी कि ए जो मैट्रिक्स है उसके मेंबर बी मैट्रिक्स के सेम एड्रेस वाले मेंबर के साथ ऐड करो तो रिजल्ट का सेम एड्रेस वाला एलिमेंट एलिमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको हम अगर एग्जांपल के साथ देखें तो नोटेशन वाइज इनफैक्ट, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमारा मैट्रिक्स है 3x2 या 2x3 लेते हैं, चलो ये मैट्रिक्स है 2x3 साइज, सो 2 रोज 3 कॉलम्स, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, बी वन, सॉरी ए ही लिखेंगे, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, है ना। तो इसकी साइज़ है 2 रोज 3 कॉलम्स। अब ऑब्वियसली बी भी हमें सेम साइज़ का ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, सो बी वन वन, बी वन टू, बी वन थ्री, बी टू वन, बी टू टू, बी टू थ्री, इसकी साइज़ भी 2x3 ही है। सो हम ए एंड बी को ऐड कर सकते हैं, सो ए एंड बी को जब हम ऐड करेंगे तो जो मैट्रिक्स मिलेगा उसको टेम्पररी नाम दे देते हैं सी, ठीक है। तो कैसे मिलेगा, सेम एड्रेस वाले, यानी कि ए वन वन के साथ बी वन वन ही ऐड होगा, ए वन टू के साथ बी वन टू ही ऐड होगा, ए वन थ्री के साथ बी वन थ्री ही ऐड होगा। सिमिलरली सेकेंड रो में भी ए टू वन के साथ बी टू वन ही ऐड होगा, ए टू टू के साथ बी टू टू, एंड ए टू थ्री के साथ बी टू थ्री ही ऐड होगा। उसको नाम अगर सी वन सी सी वन वन, सी वन टू एंड सी वन थ्री, सॉरी सी वन थ्री, सी टू वन, सी टू टू, सी टू थ्री नाम दे रहे तो उसकी भी साइज 2x3 ही होगी, ठीक है। तो इसको कॉमनली लिखना है तो ऐसा हम लिखेंगे सी आई जे इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे, बट एड्रेस सेम होना चाहिए एडिशन के लिए, ठीक है, और रिजल्ट भी सेम एड्रेस वाला ही मिलेगा। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा ही होगा, जस्ट हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो यहाँ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये दोनों के लिए सेम प्रोसेस रहेगी। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में दोनों मैट्रिसेस सेम साइज का होना चाहिए, और एडिशन करना है तो प्लस लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन करना है तो माइनस लिखेंगे, दैट्स इट, ठीक है। सेम साइज तो यहाँ माइनस, अगर सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं तो माइनस साइन यूज करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो ऐसे हम मिल जाएगा, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में पैरेलल प्रोसेस जा रही है ऐसा हम मान सकते हैं। अभी मेन चीज़ है वो है मल्टीप्लिकेशन, और टिपिकल तो नहीं बोल सकते बट यस, उसमें क्या है कि कंडीशन एंड प्रोसीजर थोड़ी लॉन्ग है, कंडीशन बदल जाएगी, कैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। सो थर्ड ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस, ठीक है। अब यहाँ यस करना क्या है, कंडीशन तो थोड़ी है वो भी हम बाद में लिखेंगे, बट कॉमन प्रोसीजर पहले क्या है, मान लेते हैं हमें मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले
वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या होगी, एक ही साइज़ लिख देते हम, और एक ही साइज़ क्या होगी यहाँ, और जनरली साइज़ में, फिर से एक बार मैं रिफ़र कर दूँ, साइज़ में जो फर्स्ट नंबर है वो क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ रोज़, और सेकंड नंबर है वो नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो मैं यहाँ कॉमन फॉर्मेट पहले लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। सो मान लेते हैं मैट्रिक्स ए है, उसकी साइज़ एम क्रॉस एन है, मान लेते हैं एम क्रॉस एन है, ठीक है, और इसके साथ हम मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं बी, और बी के साइज मान लेते हैं पी क्रॉस क्यू है, ऐसे ही कॉमन फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, ठीक है। यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स में एम रो होगी, एन कॉलम होगा,